अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन फासला। ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुशेस आउट एन अदर सब्सटेंसेस टू टेक इट्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस को पुश करके वहाँ पे वो अपनी जगह ले लेता है, यानी एक सब्सटेंस पड़ा होता है वो उसको आगे धकेल के और वहाँ पे जो है वो अपनी जगह ले लेता है। इसकी एग्जांपल यहाँ से आपको नज़र आएगी कि इफ़ एन आयरन नेल इज़ पुट इन टू अ जार, कि अगर हम एक आयरन नेल जो है वो एक जार में डालते हैं और उस जार में पहले से ही एक सॉल्यूशन हो, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो उसमें पहले से ही जार में, और उसमें अगर हम एक आयरन नेल जो है वो रख दें तो सम आयरन डिसॉल्व्स, कुछ आयरन जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा एंड डिसप्लेसेस द कॉपर इन द सॉल्यूशन, और वो जो कॉपर होगा वो उस सॉल्यूशन में डिसप्लेस हो जाएगा, यानी कॉपर जो है वो नेल के ऊपर आ जाएगा, उस आयरन के ऊपर आ जाएगा। द कॉपर इज़ डिपोजिटेड ऑन द नेल के, वो नेल के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे अब उन्होंने उसकी एग्जांपल भी कुछ इस तरह दी है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जब हम कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का फार्मूला है, कॉपर का तो आप लोगों को पता है Cu और सल्फेट SO4, कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन Fe जो है वो डालेंगे तो क्या होगा कि जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, कॉपर जो है वो इस कील के ऊपर, इस नेल के ऊपर आ जाएगा, Cu डिपॉजिट हो जाएगा और आयरन सल्फेट जो है वो पीछे जो सॉल्यूशन बचेगा वो आयरन सल्फेट FeSO4। डिस्प्लेसमेंट की जो एग्जैक्ट जो है वो डेफिनेशन बनेगी कि पुशिंग वन सब्सटेंस आउट एन अदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस, के एक सब्सटेंस को धकेल कर अपनी जगह बना लेना या अपनी जगह लेना जो है उसको, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिड यू नो है जो पीछे हमने लाइम के बारे में पढ़ी थी कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, की जब लाइम बनाते हैं तो लाइम स्टोन जो है वो हमने पीछे पढ़ा था कि लाइम स्टोन को जो है वो हीट करते हैं, तो लाइम स्टोन इज़ हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ ओवर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, कि लाइम स्टोन को जो है कितने, कौन से टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, 1000 से भी ऊपर जो है वो टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है इन स्पेशल ओवन्स कॉल्ड लाइम किल्न्स। एक स्पेशल किस्म के जो ओवन होते हैं जिनको लाइम किल्न्स कहते हैं, उसमें जो है इनको गर्म करते हैं। थैंक यू।